हाय नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह और आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। और आज से जो इंग्लिश की क्लास है और इसके साथ में और भी आपको काफ़ी सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो अब आप स्टडी में लग जाइए क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं और प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तभी आपको आपका फल मिलेगा। तो साथियों, आज हम बिल्कुल जीरो से टॉपिक लेके चल रहे हैं, लेटर, लेटर्स, अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स। तो इनमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, हम दोनों को एक समझ लेते हैं। लेकिन अभी आप क्लियर करेंगे वो चीजें एंड आई होप आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर मैं बात करूं ए अल्फाबेट, अगर मैं ए को अल्फाबेट बोलता हूं तो क्या ये सही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए अल्फाबेट हो गया, ये गलत है। ए अल्फाबेट नहीं है। अल्फाबेट क्या होते हैं वो भी देखेंगे हम। ए अल्फाबेट नहीं है, अगर हम बोले ए टू जेड या हम बोले ए टू जेड। ए टू जेड क्या होता है, ए टू जेड में हमारे 26 हो गए, तो 26 को हम क्या बोलेंगे, जो 26 का ग्रुप है उन्हें लेटर्स बोलेंगे, लेटर बोलेंगे या अल्फाबेट बोलेंगे। अब आप सोचेंगे कि ए तो अल्फाबेट होता है, हम तो अल्फाबेट पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल गलत पढ़ा है। और मैं आपको बता देता हूं, मैं इंग्लिश ही टीच करता हूं और अब आपकी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। सो डोंट वरी एंड डू वॉच दिस वीडियो। लेटर होता है हमारा ए, हमारा एक लेटर हो गया, बी ये लेटर हो गया, सी डी ई एफ ये क्या है। अगर हम बात करें ए क्या हो गया, ए लेटर हो गया, बी क्या हो गया, बी लेटर हो गया, सी क्या हो गया, ये भी लेटर हो गया, डी क्या हो गया, ये भी लेटर हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें इंडिविजुअल की बात करें तो वो होते हैं हमारे लेटर। और अगर इनकी संख्या हम ज्यादा करते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये क्या है, लेटर्स हो गए। लेकिन अल्फाबेट क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं हमारे ए टू जेड, जो 26 हैं ये होते हैं हमारे अल्फाबेट। ये क्या होते हैं हमारे अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट। तो ये क्या है, 26 होते हैं हमारे अल्फाबेट। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि लेटर्स हैं, लेटर्स नहीं है, लेटर नहीं है, ये क्या है, अल्फाबेट। आपको मैं बता देता हूं, अगर हम बात करें ए, ए क्या हो गया, लेटर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें ए टू जेड, जो 26 है, ए टू जेड ये कि ये हो गए 26 हो गया हमारे, ये है अल्फाबेट। अभी मैं आपको समझा देता हूं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। लेटर का मतलब होता है वर्ण, लेटर का मतलब क्या होता है, वर्ण। और जो अल्फाबेट होता है इसका मतलब होता है वर्णमाला। देखो लेटर हो गया वर्ण और अल्फाबेट हो गया वर्णमाला, ठीक है। लेटर वर्ण हो गया, लेटर्स और सॉरी अल्फाबेट क्या हो गया, वर्णमाला हो गया। अब आप ये देखिए ए क्या हो गया, ये आपको पता है लेटर हो गया। वर्णमाला क्या होती है, 26 को ही तो हम वर्णमाला बोलते हैं। अब आप देख लीजिए वर्णमाला, वर्णों की माला मतलब लेटर जिसमें ज्यादा हो गए। अब आप एक बात बताइए, लेटर क्या हो गया, वर्ण हो गया, ठीक है। अब जो ये माला बनी है 26 की माला बनी है, माला एक से तो बनती नहीं है, वर्णों की माला ये एक से तो बनती नहीं है, वर्णों की माला 26 को मिला के एक माला बना दी, उसे हम बोलते हैं वर्णमाला। और वो क्या होता है हमारा, अल्फाबेट, ठीक है। आप बोल सकते हैं जैसे क्लास है हमारी, एक क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं,
अगर हम एक एक का नाम लें, जैसे राहुल, सीमा, मीना, कुछ भी, ये तो हो गए हमारे लेटर, ठीक है, राहुल क्या हो गए, लेटर हो गए। लेकिन अगर हम इन सभी को बोलें, एक यूनिट में बताएं, तो वो क्या होगा, हमारा अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट। समझ आया? आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अब आप ए को लेटर बोलेंगे और 26 जो ए टू जेड है इनको आप अल्फाबेट बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, और आज से जो हमारी क्लास है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, एंड आई होप आप इस क्लास को एंजॉय करेंगे, समझेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप समझ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सब मैं आपको बताना चाह रहा था, तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।